नमस्कार, ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की करते हैं शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। सरकार और किसानों के बीच पांचवें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। इस बैठक में सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा। अब 9 दिसंबर को फिर होगी बातचीत। बैठक में किसान नेताओं ने कहा कि 9 दिसंबर को सरकार ने हमें पहले सरकार प्रस्ताव भेजेगी जिस पर हम आपस में चर्चा करेंगे। वार्ता के दौरान किसान नेता सरकार से बेहद नाराज नजर आए। लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने सरकार के लंच को स्वीकार नहीं किया। पांचवें दौर की बातचीत में किसानों का समूह करीब एक घंटे तक मौन व्रत पर रहा और अपनी मुख्य मांग पर हां या नहीं में जवाब मांगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से अपील की कि वो इस आंदोलन से बुजुर्गों और बच्चों को घर भेज दें, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि हम कानून रद्द कराकर ही मानेंगे, इससे कम पर हम नहीं मानने वाले। किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि हमारे पास एक साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है कि वो क्या चाहती है। तोमर ने किसानों के आंदोलन में अनुशासन बनाकर रखने के लिए किसान संगठनों का शुक्रिया अदा किया। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी और मंडियों को मजबूत किया जाएगा। शिमला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो दिल्ली की फूड सप्लाई को बंद कर देंगे। पंजाबी सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को सर्दी से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए हैं। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में ब्रिटेन के 36 सांसद खुलकर सामने आए। सांसदों ने इसे लेकर राष्ट्रमंडल सचिव को चिट्ठी भी लिखी है। किसान आंदोलन को लेकर चर्चा के लिए पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी के घर पर बैठक हुई जो करीब 2 घंटों तक चली। नए संसद भवन का भूमि पूजन 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम मोदी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। इसके निर्माण में 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नया संसद भवन कैसा होगा इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। इसके निर्माण का ठेका जो है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है। केरल में राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी संस्थान के नए परिसर के नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया। केंद्र ने नए परिसर का नाम एमएस गोलवलकर के नाम पर रखने का फैसला किया, जिस पर केरल सरकार और कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। केरल सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया कि बीजेपी हर चीज को सांप्रदायिक रंग दे रही है। साथ ही उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में गोलवलकर के योगदान को लेकर भी सवाल उठाए। AIUDF अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने फाउंडेशन को विदेशों से फंडिंग होने और इस पैसे का गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के आरोपों को नकार दिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गुप्कर गैंग के पास जब सत्ता थी तो उन्होंने कभी रिफ्यूजियों को वोट का अधिकार नहीं दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि गुपकार गैंग ने वोट के अधिकार के लिए कभी संघर्ष नहीं किया, लेकिन अब उन्हें वोट की जरूरत है तो वो सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में शाहनवाज हुसैन ने रैली को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लखनऊ में पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव मौजूद रहे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ट्विटर के जरिए देश में नफरत और घृणा फैलाने का आरोप लगाया गया है। इन पर इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भाजपा की रैली पर टीएमसी कर्मियों द्वारा की गई बमबासी और गोलीबारी में कई भाजपा कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर राज्य सरकार और पुलिस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि यहां पुलिस का अपराधीकरण हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल अन्याय और अत्याचार का शासन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे सैयद फैजल अली ने कहा कि बिहार में वर्तमान सरकार वेंटिलेटर पर है। जैसे ही 1-2 वेंटिलेटर या ऑक्सीजन हटा दिए वैसे ही बिहार में सरकार गिर जाएगी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड में जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाजीपुर सेफ हाउस में प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में राजनीतिक दशा एवं दिशा और बूथ पर 6 कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव वित्त और कृषि अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य को मिले फंड और उनके इस्तेमाल पर चर्चा होगी। गाजीपुर के जिला पंचायत हाल में प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान मीडिया ने प्रभारी मंत्री से अधिकारियों द्वारा सीयूजी नंबर नहीं उठने का सवाल किया तो वो भड़क गए। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई का काम अब जल्द शुरू होने वाला है। इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति की एक अहम बैठक होगी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इसके साथ ही अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज से जेडीयू विधायक वीणा भारती के बेटे का शव संदिग्ध हालत में मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई में एडमिट कराया गया है। दिल्ली में आयोजित स्वच्छता सेवा सम्मान 2020 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश का बेहतर प्रदर्शन रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला चिकित्सालय में लगातार बच्चों की मौत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक जांच दल का गठन कर पीड़ित परिवार से मिलकर इन मौतों के पीछे का सच जानने और रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शहडोल में 13 नवजात की मौत पर कहा कि उनके इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। कानपुर के विजयनगर से एक युवक का अपहरण हो गया। फिरौती की कॉल आने पर परिजनों में हड़कंप। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बरेली से रिटायर्ड सूचना अधिकारी ने अपने घर में काम करने वाली एक महिला को उसके घर पर जाकर गोली मार दी। महिला के बचाव में आई उसकी बेटी को भी आरोपी ने तमंचे की बटों से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। कानपुर के बर्रा में मामूली विवाद में आधा दर्जन गुंडों ने एक छात्र को बेरहमी से पीट डाला। मामले की शिकायत करने पर पुलिस थाने से भगा दिया पीड़ित को पुलिस ने, और पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। सीतापुर में खाकी वर्दी में दो युवकों समेत 5 लोगों ने जमकर हंगामा किया। युवकों के हाथों में असला भी देखा गया। सीतापुर में लव जिहाद मामले में पुलिस ने आज नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य अभियुक्त और बालिका की खोज के लिए पुलिस की 7 टीमें लगातार कोशिश में जुटी हैं। कानपुर के अस्पताल में अज्ञात व्यक्ति ने बच्चा चोरी करने की कोशिश की। बच्चे के पिता के जगने के बाद व्यक्ति अस्पताल से भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। प्रयागराज में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश और उसके 2 साथियों को पकड़ा है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। कौशाम्बी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लुटेरों की गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में एक महिला से दुष्कर्म मामले में एसएसपी ने इंस्पेक्टर राकेश यादव को निलंबित कर दिया है। पीड़िता आरोपी इंस्पेक्टर को जेल भेजने की मांग हो चुकी है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक युवती ने अपने ससुर और जेठानी पर गर्म पानी डाल दिया। इसमें वो बुरी तरह से झुलस गए। दरअसल बच्चों के बीच हुए विवाद से युवती नाराज थी। मध्य प्रदेश के सागर मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 महीने में 92 बच्चों की मौत से हंगामा। इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। यूपी के मिर्जापुर में वकील के बेटे से मारपीट करने वाले एसआई को एसपी ने दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। असम के चिरांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद को बरामद किया। चेन्नई एयर कस्टम ने 1 किलो 62 ग्राम सोने के साथ 5 यात्रियों को गिरफ्तार किया। इसकी बाजार में कीमत 81 लाख रूपये से ज्यादा बताई जा रही है। मुंबई में आग का तांडव देखने को मिला। यहां दोस्ती कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद मार्केट पर भीषण आग लग गई। बर्फबारी से जम्मू संभाग को घाटी से जोड़ने वाला मुगल रोड और श्रीनगर ले हाईवे बंद हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी बर्फबारी के आसार जताए हैं।
तमिलनाडु में आए चक्रवाती बुरेवी के चलते 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुड्डालोर जिले में लगभग 300 गांवों में बाढ़ आ गई। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है, पिछले 24 घंटों में 36,652 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में देश में 512 लोगों की मौत हुई, मौत का कुल आंकड़ा 1,39,700 तक पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 96,08,211 केस सामने आ चुके हैं, इनमें से 4,09,689 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5.89 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटों में 3,419 नए मामले सामने आए, 77 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,42,587 तक पहुंची, यहां कुल 47,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,229 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 127 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल ऐप मेरा कोविड केंद्र को लॉन्च किया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने पर पीजीआई एमएस ने सफाई दी है और कहा कि विज ने कोवैक्सीन की एक ही खुराक ली थी। फेस्टिव सीजन के बाद भी पिछले महीने गोल्ड का आयात साल दर साल आधार पर 41% गिरकर 33.1 टन पर आ गया है। चाइनीज टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को पेश किए जाने वाले रियायती प्लान की विस्तृत जानकारियां सौंपने का निर्देश दिया है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक तारीख को बढ़ा दिया है। करीब 2 महीने बाद पिछले 15 दिनों से एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगी हैं, इससे जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। रविंद्र जडेजा कॉन्क्यूशन कंट्रोवर्सी के चलते T20 सीरीज से वो बाहर हो गए हैं, अब उनकी जगह गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी गई। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौजूदा क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर बताया है। सुनील छेत्री के गोल की बदौलत इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरु एफसी ने सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की और वो पॉइंट्स टेबल में 4th नंबर पर पहुंच गए। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,49,00,000 के पार चला गया है, मरने वालों की संख्या 2,87,000 के पार। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पारुपल्ली कश्यप एचएस प्रणॉय समेत देश के 4 टॉप मेन्स बैडमिंटन प्लेयर कोरोना संक्रमित पाए गए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6,67,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 15 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 65 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 24,31,000 के पार, मरने वालों का आंकड़ा 42,000 के पार। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 1,15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने देश में राजशाही की बहाली की मांग की है।